मैं मनोज सिंह नेवड़े के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत अनयूज दावा यानी एक्सेबल क्लेम के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ब्रीफ में डेढ़ या दो मिनट एक्सेबल क्लेम को दो पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं। डेफिनेशन जो दी हुई है उसके अनुसार हम लोग चाहें तो दो पार्ट में उसको बांट सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें एक्सेबल क्लेम कैटेगरी में आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें एक्सेबल क्लेम कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो ध्यान रखिए, एक्सेबल क्लेम कैटेगरी में आता है अनसिक्योर डेट। अनसिक्योर डेट का मतलब एक ऐसा डेट जिसके पीछे की किसी सिक्योरिटी का बैकअप नहीं है। जैसे आपने अपने दोस्त को 20,000 रुपये लोन दिए, वो आपने कोई सिक्योरिटी नहीं ली है, जाहिर सी बात है कि वो अनसिक्योर डेट है, अनसिक्योर डेट है, इसलिए वो क्या है, एक्सेबल क्लेम है। दूसरा, बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन ऑफ क्लेमेंट, मतलब कि चल संपत्ति में कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट और वो चल संपत्ति क्लेमेंट के कब्जे में न हो। एक एग्जांपल से समझिए कि आपने 20 बोरी चावल मिस्टर ए से खरीदे और उन्हीं के पास छोड़ दिए। देखिए, तीनों शर्तें पूरी हो गई, आपने चावल खरीदा है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट है आपका, मूवेबल प्रॉपर्टी है चावल, और क्या आपके पोजेशन में है, नहीं है, ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं, इसलिए वो क्या है, एक्शनेबल क्लेम है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी चीज़ को बाहर किया गया है एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन से, वो है सिक्योर डेट। अभी हमने आपको बताया अनसिक्योर डेट कहाँ जाता है, एक्शनेबल क्लेम, लेकिन जो सिक्योर डेट क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम नहीं होता है, एक्शनेबल क्लेम के दायरे के बाहर रखा गया है। मॉर्गेज क्या है, सिक्योर डेट है, इसलिए एक्शनेबल क्लेम नहीं है। हाइपोथिकेशन क्या है, सिक्योर डेट है, इसलिए एक्सेबल क्लेम नहीं है। प्लेस क्या है, सिक्योर डेट है, इसलिए एक्सेबल क्लेम नहीं है। फिर से समझ लीजिए, अनसिक्योर डेट क्या है, एक्सेबल क्लेम है। बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन ऑफ क्लेमेंट, वो क्या है, एक्सेबल क्लेम है। क्या चीज़ नहीं है, सिक्योर डेट। मॉर्गेज सिक्योर डेट है, इसलिए वो एक्सेबल क्लेम नहीं है। हाइपोथिकेशन सिक्योर डेट है, इसलिए एक्सेबल क्लेम नहीं है। प्लेज सिक्योर डेट है, इसलिए एक्शनेबल क्लेम नहीं है। इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि अनसिक्योर्ड डेट को एक्शनेबल क्लेम माना गया है और सिक्योर्ड डेट को एक्शनेबल क्लेम नहीं माना गया है। थैंक यू।